किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे चंदन की खेती के बारे में। चंदन तो ऐसे बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसे लगाना कैसे है और इसका लाइसेंस कहाँ से मिलेगा जिससे आप गैर कानूनी ना हो, ये सब के बारे में बताएंगे। और ये कितना कमा सकते हैं अगर आप एक एकड़ खेती करते हैं, और इसे करोड़ों से ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। इसका होस्टिंग प्लांट जो होता है, मतलब होस्ट जो इसके अंदर रहता है प्लांट, कौन कौन लगाना चाहिए, ये सब बारे में बताएंगे। फुल डिटेल A to Z विधि बताएंगे। इसलिए मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे तो चंदन तैयार 8 साल में चालू होता है और 15 साल तक होता है। आपको जो सुरक्षा करवाना होगा वो 8 साल से 15 साल तक करवाना होगा। ऐसे तो इस पे कहा जाता है जो सांप रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब मिथक है। ऐसे तो लाल चंदन और व्हाइट चंदन के नाम से दो चंदन का वेराइटी आता है। लाल चंदन का प्लांट, उसके साथ होस्ट प्लांट कोई नहीं लगाया जाता है, वो बहुत दिन में तैयार होता है, 33-34 साल लगता है उसे तैयार होने में। लेकिन व्हाइट चंदन वाला वैसा नहीं होता है, इसे तो 5-8 साल से चालू होता है, 15-20 साल तक जाते जाते ये तैयार हो जाता है। लेकिन 8 साल के बाद आपको इसका रक्षा करवाना होता है, जो कि आप एकदम सिक्योरिटी गार्ड के तरह इसे रक्षा करवाइएगा, तभी ही जाके वो बचेगा। एक एकड़ इसमें सबसे ज़्यादा आदमी का ही खतरा रहता है। जैसे एक एकड़ खेती करने के लिए ज़्यादा कुछ की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा उतना ज़्यादा ये, क्योंकि ये जंगली प्लांट है, जंगली प्लांट को तो ऐसे भी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही हिंदू धर्म पूजा पाठ में बहुत सारे इत्र बनाए जाते हैं महंगे महंगे, जो कि आपको ये उसी में उपयोग किया जाता है इसका तेल, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आपको 1 kg हार्डवुड जो होता है अंदर का, वो मिलता है आपको 25 से 30 हज़ार रुपये kg के हिसाब से अभी बिक रहा है। ऐसे भारत सरकार का रेट तो 10 से 15 हज़ार है, लेकिन ओपन मार्केट में 25 से 30 हज़ार है, क्योंकि भारत सरकार कम ही मात्रा में, मतलब वो अपना दाम कम बताती है। ऐसे तो चंदन के खेती करने का प्रतिबंध लगा है, लेकिन इसे हटा दिया गया 2018 से 2019 में, और तभी से जाके इसका खेती खूब बड़े पैमाने पर की जाती है। ऐसे 100 टन के आसपास है कुल उत्पादन, लेकिन 7 हज़ार से 8 हज़ार प्रति वर्ष खपत है, 7 हज़ार से 8 हज़ार वो जो श्रीलंका म्यांमार से मंगवाया जाता है। ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ वो उतना पाया नहीं जाता है। इसके लिए बलुई मिट्टी, कोई भी मिट्टी हो जिसका pH मान 7 से 8.5 होना चाहिए। चंदन के खेती के लिए जलोढ़ नम मिट्टी, तेल का मात्रा कम प्राप्त होता है, इसलिए जलोढ़ नम मिट्टी में नहीं लगाएं, और जल निकासी की बलुई और दोमट मिट्टी में लगाएं, जिससे जल निकासी खूब हो और शुष्क जलवायु वाला होता है। अधिक सर्द जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। सर्दियों में गिरने वाला पाला इसके लिए, पौधे के लिए उचित नहीं होता है, लेकिन वैसा भी नहीं है जो आप ये ख़राब हो जाएगा, वो ऐसा भी नहीं है। चंदन के लिए 35 से 15 डिग्री तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, 35 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसे थोड़ा ये पड़ता है, असर पड़ता है। लेकिन लाल चंदन अलग होता है, लाल चंदन को रक्त चंदन के नाम से जाना जाता है। लाल चंदन का पौधा सफ़ेद चंदन के भांति खुशबू नहीं आती है, और इसका किस्म आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पाया जाता है। ये भी हवाई हवन उवन में, इत्र उत्र बनाने में, दवाई में प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद चंदन में होस्ट लगाया जाता है। होस्ट प्लांट की बात करें तो कोई भी सब्जी हो सकता है, कोई भी आप ये फल वाले प्लांट हो सकते हैं। होस्ट प्लांट आपको वहीं मिलेगा जहाँ से चंदन का प्लांट लीजिएगा। ऐसे केंद्रीय चंदन अनुसंधान है, सैंडलवुड अनुसंधान, वो कि केरल कर्नाटक में है, वो वहीं से आप इसका प्लांट मंगवा सकते हैं, वहाँ मिल जाता है आराम से। वो आप चारों तरफ बांटते हैं वो प्लांट, आप सैंडलवुड मतलब अनुसंधान लिखिएगा तो आ जाएगा वो गूगल मैप पे, और उसका पता ले लीजिए, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। 10-20 प्लांट मंगवा लीजिए या 500 प्लांट मंगवा लीजिए और वहीं से लगा लीजिए, वो थोड़ा सस्ता मिलेगा। यहाँ ऐसे लीजिएगा तो आपको 1.5-2 फीट का 150-200 रुपये लेगा, और वहाँ लीजिएगा तो वही 15-20 रुपये पड़ेगा, तो वो उतना ही फायदा होगा। और वो असली चंदन रहता है, वहाँ से एकदम सरकार द्वारा प्रमाणित रहता है। इसे कटाई के समय आपको उतना ज़्यादा ये नहीं रहेगा, जो कटवाने के समय बेचने के समय ज़्यादा दिक्कत हो, ऐसे तो लेना है तो कहीं से आप ले सकते हैं। ऐसे वहाँ से लीजिएगा इसका बीज तो बहुत अच्छा रहेगा,
वो भी 1-2 हज़ार रुपये केजी के हिसाब से मिलता है, तो आधा केजी ही लीजिएगा, वो भी समय रहता है, पता लगाइएगा, बुकिंग होता है प्री बुकिंग, और वो उसी में आपको पैसा डालना होता है और वहाँ से बीज मिल जाएगा। और होस्ट प्लांट वहीं से देख लीजिएगा, रहरी मतलब अरहर जो दाल वर्गीय फसल है वो खूब लिया जाता है इसके बीच में, आप 10 बाई 10 फीट के दूरी पर आप लगा लीजिए इसका प्लांट। ऐसे इसका पहले गहरी जुताई करवानी होगी और पुराने फसल के अवशेष को नष्ट कर देना होगा। ऐसे तो ये जंगली प्लांट है तो ये उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। 10 फीट की दूरी पे 2 फीट का गहरा गड्ढा खाने और 3 से 4 फीट चौड़ा इसका गड्ढा होना चाहिए, जिसमें गोबर के खाद अच्छे तरह से मिलाकर भर दें, और जैविक खाद भी आप भर सकते हैं, जो भी जैविक या रासायनिक खाद हो। और इसके पौधे के शीर्ष नागफनी, हरे और नीम का पौधा स्वयं भोजन पानी खनिज तत्वों को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसके खेत में इस तरह के पौधे जरूर लगाएं जिससे ये भोजन ग्रहण करे और खाद के रूप में 5 से 10 केजी गोबर दें। जैसे दूसरे नागफनी हो गया, शीर्ष हो गया, ये सब प्लांट आपको तो आराम से मिल जाएगा। शीर्ष का भी बिक जाता है 5-5 फीट पे 10 फीट के बीच के दूरी में, जो बीच का दूरी होगा उसमें ये शीर्ष नागफनी हरे नीम का प्लांट लगा दीजिए, और सब में जो खेत है उसमें रहरी मतलब अरहर छींट दीजिए, जैसे ये होगा आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे तो इसके गड्ढे को भर देना चाहिए, वो 10 केजी 5 केजी इसमें गोबर का खाद जो सड़ी हुई हो, 2-3 साल का पुराना हो, वो दे दीजिए। और बीज के रोपाई के पौधे दोनों रूप से किया जाता है, आप बीज के वाला ही कीजिएगा, बीज वाला में थोड़ा ये होता है, आप वहीं से मंगवा सकते हैं, सरकारी रजिस्टर वही नर्सरी है, ऐसे उधर बहुत सारा है, आप जहाँ से मंग हो वहाँ से मंगवा लीजिए, मैं वो बता दिया हूँ, सैंडलवुड उड अनुसंधान करके है, ऐसे चंदन को सैंडलवुड कहा जाता है। और इसका सिंचाई की बात करें, ज़्यादा सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं होती है, 15-20 दिन पे अगर बारिश नहीं हो रहा है तो सिंचाई कर दीजिए, और सर्दी के मौसम में आप 1 महीने पे कीजिएगा तो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हम अगर बिहार यूपी में कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी जगह पे पानी ही नहीं होता है, तो वहाँ थोड़ा सप्ताह में ही पानी देना होगा, ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसको नहीं होती है। ऐसे पौधे लगाने में रोग कोई वैसा नाम नहीं आता है रोग का जो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, और इसका 12 से 15 साल में इसका वो 8 साल में सैंडलवुड में हार्डवुड बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद चोरी होना स्टार्ट होता है, इसलिए आप उस समय बचा के रखें। और एक प्लांट से 20 से 30 केजी आपको हार्डवुड निकलेगा, और 400 प्लांट अगर आपके पास है मतलब 1 एकड़ में, अगर 400 नहीं है 350 ही बचा आप कोई कारणवश, आप 1 केजी बीज ले लीजिए जो कि 3,000 का होगा, और आप उसी से आप ये सब प्लांट ग्रो करवा लीजिए। और आप उसके बीच में अंजीर उंजीर का खेती कर सकते हैं या अरहर का खेती कीजिए जो कि बहुत अच्छा होगा, 1 साल आप अरहर का खेती अंजीर उंजीर कर दीजिए बीच में, लेकिन अरहर का खेती कीजिए जिससे ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा और जितना ग्रो करना चाहिए उतना करेगा, और 10 से 15 साल बाद आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सरकार द्वारा लाइसेंस प्रक्रिया ही बंद कर दी गई है और ये ओपन मार्केट में खोल दिया गया है भारत सरकार द्वारा। अगर इतना देर वीडियो देखें तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।